सौतन पर सौतन पड़ी भारी, रिश्ते से हारी रंजू बेचारी। ये सब क्या बकवास है, एक कागज का टुकड़ा हमारी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता है, हम नहीं मानते इस सबको। दंगल चैनल के सीरियल रंजू की बेटियां में आज रंजू के हाथ में आए हैं तलाक के पेपर्स, जिन पर उसके पति गुड्डू मिश्रा के हस्ताक्षर हैं। और इन पेपर्स को देखकर रंजू और उसकी बेटी बुलबुल के होश उड़ गए हैं। बहुत सारे नए नए ट्विस्ट लेकर आती रहती हैं, कभी कोई षड्यंत्र, तब कभी सामने से वार, तो कभी पीठ पीछे वार, इस बार कागजी वार, ये किस तरह का वार है? देखिए, कहानी में ट्विस्ट तो आना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, इसलिए पहले बात तो हमारा शो नंबर वन हो गया दंगल पे, हमें थैंक यू। सो आई कैन गिव दिस क्रेडिट टू ऑल माय राइटर्स, क्रिएटिव टीम्स एंड एवरीवन। तो बड़ा अच्छा लगा। एंड यस, ललिता का कैरेक्टर है जो शो को ड्राइव करता है, ऑब्वियसली एक तड़का मसाला वही करता है। तो हम बहुत बड़ी बड़ी महाभारत होती है हमारे घर में, एंड आई थिंक वही ऑडियंस को पसंद आती है। तो अभी इस बार बहुत बड़ा वार हुआ है, इसके पहले थप्पड़ वप्पड़ भी लग चुकी है, वो मैं आपको बताऊंगी नहीं। मतलब हमारे घर में रोज़ एंटरटेनमेंट होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ होता है, फिर ललिता कुछ नया खेलती है, फिर अम्मा जी उसको तोड़ती है, तो ये चलता रहता है। सो यस, इस बार तलाक तक बात पहुँच चुकी है। तो हाँ, ललिता की फेवरेट चीज़ कैसे हो सकती है वो पे? उसको अपनी लाइफ में शांति चाहिए, और उसको लगता है जब तक ये नहीं होगा, तब तक जब तक उसकी बीवी रहेगी ये चलता रहेगा, उसका हक है, उसका ये है। सो नाउ दिस इज़ व्हाट दैट कहानी में ट्विस्ट। अब तलाक होगा नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकती, बट दैट मूव हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, सो लेट्स सी आगे क्या होता है। भाई कुछ भी कहो, ये कारनामा तो रंजू की सौतन ललिता का ही है, क्योंकि रंजू और उसकी बेटियां का इस घर में रहना ललिता को राज जो नहीं आ रहा। पर लाइफ में ऐसे ही कुछ होता है कि एक पीस ऑफ पेपर आपकी जिंदगी पूरी तरह से पलट देता है, और यहाँ पे जो पीस ऑफ पेपर है वो है तलाक का कागज। तो ऑब्वियसली रंजू मिश्रा के लिए बहुत बड़ी बात है, बिकॉज सेपरेटेड तो वो थे अपने हस्बैंड से, पर अब वो चीज़ लीगल हो जाएगी। एक होता है ना, हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में ना एक लेबल लग जाता है, एक होता है एक विधवा का लेबल लग गया, एक छोड़ी हुई औरत का लेबल लग गया, अब हो जाएगा तलाकशुदा। तो यू नो, ये लेबल्स जो है लोगों को बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए इस वक्त रंजू की लाइफ में एक बहुत बड़ा तूफान आया है। एंड ऑफ कोर्स रंजू की लाइफ में तूफान आएगा तो उनकी बेटियों पर तो असर होना ही होना है, और हम लोग बहुत खुश थे जब ये न्यूज़ हमारे पास आई। तो जो इस न्यूज़ का मोमेंट भी था ना, और सब रिलेट करेंगे इससे, जब हम बड़े खुश होते हैं ना तभी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। आज रंजू की बेटियों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। फिलहाल तो रंजू की बेटियां शौक में हैं थोड़ा, बिकॉज एक होता है अलग होना और एक होता है उस चीज़ को एकदम फाइनलाइज कर देना, यू नो, बिकॉज अगर लीगली डिवोर्स हो गया तो हमको पता है हमारी माँ तलाकशुदा हो जाएंगी। एंड अब हम उनको किस डायरेक्शन में गाइड करेंगे, हम गाइड करते हैं या इसमें दादी का भी एक इन्फ्लुएंस आता है, वो भी हमको अभी आगे देखना पड़ेगा। बट जहाँ तक बुलबुल का सवाल है, बुलबुल नहीं मानती कि एक कागज़ का टुकड़ा उनकी ज़िंदगी को, ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला कर सकता है। तो ऑब्वियसली वो बैठ के माँ से, इस बारे में बात करना चाहेगी। शालू दीदी जो ज़्यादा दिमाग से सोचती हैं, उनसे भी बातचीत होंगी। देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है माँ का। ललिता जी ने बहुत ही फेस पे फिजिकली एक थप्पड़ खाया है रंजू से अभी, और उसके बाद ये उनका थप्पड़ का जवाब है। तो वो तो थप्पड़ था ही था, अब ये जो थप्पड़ हम लोगों पे लगा है इसका जवाब हम उन्हें कैसे देंगे, ये तो देखना पड़ेगा। अब आगे आगे देखते जाइए कि ललिता की चाल में फंसकर रंजू तलाक के पेपर्स पर साइन कर देगी, या फिर वो और उसकी बेटियां मिलकर कोई ब्रह्मास्त्र चलाएंगी। मुंबई से अनुराग गुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो।